Now I request my young friend from Tirumal College, Dr. Rasal Singh, member of the Academic Council. साथियों, अभी तक जो बातें यहाँ कही जाती रही हैं, उनमें से ज्यादातर के साथ मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा उस लीक से अलग हटकर कुछ और बातें भी करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे थोड़े धैर्य की अपेक्षा रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान पूर्वक मुझे सुनेंगे। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन इतिहास में मेरी रुचि है। अगर मैं मेरे पीछे लगे हुए इस बैनर को पढ़ूं और इसमें जितनी समस्याएं लिखी हुई हैं, जिनको आज दिल्ली विश्वविद्यालय झेल रहा है, तो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो सिर्फ 2014 तक नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर रह रह करके बार बार हर समस्या की जड़ में सिर्फ 2014 और मोदी सरकार को ढूंढने की कोशिश की गई। मैं मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को न तो कोई किसी भी आरोप से क्लीन चिट देना चाहता हूँ, न मैं उनको डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मानता हूँ कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय और देश का शिक्षा जगत जिन समस्याओं को झेल रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार दोषी है। लेकिन हमें ये समझने की, ये जानने की और ये खोजने की जरूरत है कि आज जिस ऑटोनोमस कॉलेज का भूत दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर मर रहा है, वो कब आया, किसके शासनकाल में आया, तब उसका ऐसे आरती उतार कर अगवानी किसने की? क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए? ये ऑटोनोमस स्कीम 1986 में आई और आज 600 से ज्यादा कॉलेज आज भी ऑटोनोमस हैं। ये अलग बात है कि ये ऑटोनोमस कॉलेजेस का जो एक्सपेरिमेंट था, जो अलग अलग तर्कों के आधार पर दिया गया और जो पूरी तरह फेल हो गया, आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय में उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज वो आग जब उठ करके हमारी दहलीज पर आ खड़ी हुई है, उसके बाद उस आग के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो रेस्पॉन्स है, वो किस प्रकार का है? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के सिर्फ एक कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, हम सारे शिक्षक यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उतने टीचर नहीं है? हिंदू कॉलेज के छोड़िए, स्टीफेंस कॉलेज पे भी आज ऑटोनोमी की तलवार, ऑटोनोमस कॉलेज की तलवार लटक गई है। हमारे शिक्षक साथियों की इसमें भागीदारी कितनी कम है, क्यों है? क्या हमने कभी इस चीज के ऊपर विचार किया है? हमें ये जो डूटा आंदोलन है, हम सबसे मिलकर के बना हुआ है, हमें इस डूटा आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। आज 10,000 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला डूटा आंदोलन एक कॉल करता है और उसमें 100, 150, 200, यहाँ जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जंतर मंतर पर आंदोलन होता है तो 200-300, कभी कभी एक आध बार स्टूडेंट्स को भी मिला लें तो 500 तक लोग आ जाते हैं। एक आध अपवाद हो सकता है, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम आंदोलन करते हैं तो 50 ही लोग क्यों आते हैं?